सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से एक दिवसीय उपवास का आयोजन औराई प्रखंड के रामपुर दक्षिणी में किया गया है। यह उपवास हम लोग कर रहे हैं कि औराई और कटरा में जो भीषण बाढ़ आया है उसमें जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सक्रियता दिखाना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो अनियमितता बरता जा रहा है औराई में उसके खिलाफ आज एक दिवसीय उपवास किया जा रहा है। लगातार भारी वर्षा से औराई दक्षिणी क्षेत्र में जलजमाव हो गया है और औराई उत्तरी क्षेत्र और पूरे कटरा में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ की भयावह स्थिति में औराई और कटरा के दर्जनों गांव जो कि जिसका संपर्क प्रखंड से टूट गया है और वहां पर अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां तक कि लगभग 4 से 5 हजार परिवारों के घरों में पानी घुस गया है लेकिन अभी तक भोजन की भी व्यवस्था या तिरपाल की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। आज के उपवास के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि अविलंब औराई और कटरा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। साथ ही साथ अविलंब जितने भी प्रभावित गांव हैं उन गांवों में नाव की व्यवस्था और सामुदायिक किचन की व्यवस्था तो अविलंब की जाए, साथ ही साथ जिन जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं बाढ़ और जल जमाव के कारण उन्हें अविलंब तिरपाल और पन्नी की भी व्यवस्था की जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जो 6,000 रुपये का घोषणा किया गया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में भी इसी तरह का घोषणा था लेकिन कितने लोगों को मिला ये सब लोगों के समक्ष है। तो मैं पुनः आज इस उपवास के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार से यह मांग करता हूँ कि 6,000 रुपये में कुछ नहीं होगा, कम से कम 20,000 रुपया प्रति परिवार यह सहायता राशि दी जाए एवं इस बाढ़ और इस बारिश में जिनका भी घर गिर गया है, जिनका भी फूस का मकान था, गरीब का, गुरुओं का, दलितों का, उनका जो घर गिर गया है उन्हें कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ अविलंब दिया जाए। और अगर हमारी इन 6 सूत्री मांगों पर जिला प्रशासन अगर विचार नहीं करती है तो आज हम लोग सांकेतिक उपवास करके जो है यह मांग रखे हैं और अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग निश्चित रूप से सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। निर्बंधु क्रांतिकारी राष्ट्रीय